चक्रवाती तूफान दाना ने जैसे ही ओडिशा के तट से टकराया, वैसे ही पूरे पूर्वी भारत में मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला है। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी इस तूफान की वजह से मौसम में परिवर्तन आया है। पिछले 24 घंटों से आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग ने 26 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र शामिल है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इस दिन इन क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 27 अक्टूबर को यूपी के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 17 जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। इसमें फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कुशीनगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, बलिया और वाराणसी जैसे जिले शामिल हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से आने वाली नम हवाओं ने यूपी के तापमान को भी प्रभावित किया है। इन हवाओं के चलते खासकर दिन के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अक्टूबर तक इस क्रम के जारी रहने की संभावना है। इससे पूर्वी यूपी के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। यूपी के मौसम में आई इस बदलाव की वजह से कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार नजीबाबाद में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मेरठ में 17.7, मुजफ्फरनगर में 18.6, गाजीपुर में 19 और बरेली में 19.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हालांकि प्रयागराज में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह इस बात का संकेत है कि जब तक चक्रवाती तूफान का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बादल छाने और बारिश की संभावना की वजह से लोगों में एक नई ताजगी का अनुभव होने की उम्मीद है। ठंडी हवाएं और हल्की बारिश गर्मी से राहत देने का काम करेंगी। हालांकि इस मौसम में सतर्क रहना भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी मौसम अचानक बदल सकता है। चक्रवाती तूफान दाना ने उत्तर प्रदेश और ओडिशा में मौसम के मिजाज को पूरी तरह से बदल दिया है। बारिश का अलर्ट, तापमान में गिरावट और नम हवाओं का प्रभाव, ये सभी संकेत हैं कि इस मौसम का असर अभी और बढ़ सकता है। इसलिए सभी को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की निगरानी करते रहें और सुरक्षित रहें।